मेरा नाम नरेश कुमार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार खास मुलाकात जनप्रतिनिधि के साथ। आज हम पहुंचे हैं सूपका ग्राम पंचायत में और बात करेंगे सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद सरवर से और जानेंगे उन्होंने 4.5 साल में क्या क्या विकास कार्य किए हैं और किन किन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस ग्राम पंचायत की सरपंच है सहनाज जी। सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरी वाइफ यहाँ सरपंच है, सहनाज खानम नाम है उनका, और उनका जो काम काज है लगभग संभालना पड़ता है, प्रतिनिधि के रूप में संभालते हैं। सर, मैं बात करूँ विकास की, इन 4.5 सालों में विकास की बात करते हैं तो नरेगा योजना के तहत लोगों को क्या क्या लाभ मिला? नरेगा में यहाँ अच्छा विकास करवाया हमने, नरेगा में टांके भी बनवाए हैं लोगों के, नाली खुदाई करवाई है, नरेगा में रोजगार दिया लोगों को काफ़ी लंबे समय से। अभी भी मेरे नरेगा में काफ़ी मतलब मस्टोल चल रहे हैं, काफ़ी लोग वर्किंग लेबर कर रहे हैं, करीब 300 पूरी पंचायत में 300 लेबर चल रहे हैं अभी। सर, मैं बात करूं पेयजल की तो पेयजल की कोई किल्लत आती है और किल्लत के निवारण के लिए आपने क्या प्रयास किए कुछ? हाँ, बेशक बहुत प्रयास किया हमने। यहाँ हमारे यहाँ खारा पानी है, फ्लोराइड युक्त पानी है यहाँ पे, तो ज़मीन के पानी का तो कोई मतलब महत्व नहीं है यहाँ पे, तो हमने जल ग्रहण समिति वगैरह से कांटेक्ट करके वो जल स्वावलंबन स्कीम, जल मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन स्कीम थी हमारी, तो उसमें हमने कोशिश की और वो हमारे गांव में लागू भी हुई और उसके तहत हमने करीब 150-200 टांके उसमें बनवाए लोगों के, निजी टांके, निजी लाभ दिलवाए लोगों को और उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। सर, मैं बात करूँ पंडित दीनदयाल पटे योजना की तहत आपने लोगों को पट्टे वितरण किए गए? हाँ, ज़रूर, हमने 15-20 पट्टे उसमें कैंप में भी बनवाए थे और जिन्होंने जिनको ज़रूरत है उनको अभी भी हम एडवाइस करते हैं कि भाई पट्टे बनवाओ, अगर लीगल है, आबादी है हमारे जो मतलब एरिया में जो आते हैं। सर, आज शिक्षा बहुत ज़रूरी है और आपकी ग्राम पंचायत की बात करूँ तो शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी है, साइंस सब्जेक्ट है यहाँ पे और बहुत अच्छा स्टाफ भी है और हम उस पर मेहनत भी करते हैं, हमारे भामा साहब भी काफ़ी लोग हैं जो भी स्कूल के लिए बहुत कुछ करते हैं और हमने जब स्टार्टिंग में चुनाव हुआ हम यहाँ जीत के आए, सरपंच बने, तभी से हम स्कूल के लिए बहुत ख़ास तौर से नज़र रखते हैं। उसमें हमने जब 12वीं का हमारे मतलब जीत के आने के बाद ही 12वीं क्लास चालू हुआ था यहाँ पे और उसमें साइंस सब्जेक्ट हमने करवाया था और हम उसके लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ बहुत बढ़िया है यहाँ का हमारा। सर, एक सरपंच प्रतिनिधि हैं आप, मैं बात करना चाहूँगा आपसे भी सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच पर क्या क्या दायित्व हैं और क्या क्या समस्याएँ आती हैं? सरपंच का दायित्व है अपनी जनता का ध्यान रखना, उसकी समस्या का समाधान करना कि भाई उसकी क्या समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रास्ते में कोई खड्डे वगैरह हैं या रोड की समस्या है वो, या बच्चों को शिक्षा के लिए प्रॉब्लम होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना सरपंच प्रतिनिधि सरपंच पद के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से होना चाहिए कि जनता को लगे कि वाकई में कुछ अपना ख्याल रखा जा रहा है। सरपंच की क्या क्या समस्या आती है? सरपंच को तो बहुत ही दिक्कतें आती है साहब, एक MLA के पास जाना पड़ता है, वो भी मतलब लिफ्ट नहीं देते हैं, कहने का मतलब हम जाते हैं वो 10 बार तो उसको 10 घंटे तक वेट करवाते हैं और बड़ी मुश्किल से काम निकलता है, वो भी करवाते हैं नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है। हर समस्या आती है, समस्या बहुत आती है। सर, मैं बात करना चाहूँगा नशे पर, आज नशा बहुत बढ़ चुका है राजस्थान में, तो नशे पर रोकथाम कैसे हो सकती है, आप और सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए? नहीं, वैसे कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इसका बहुत सपोर्ट करता हूँ ऐसे क्वेश्चन का। उसमें हमारे जो भी ग्रामीण है, हमने एक बार मीटिंग की थी इस मिशन पे कि भाई यहाँ पे नशा मुक्ति का अपने प्रोग्राम किया जाए, तो उसमें काफ़ी लोग हमारा, हमने सहयोग भी किया हमारा और हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, होगा इंशाल्लाह, ज़रूर होगा। सर, आपके पास कोई अदर समाज का या पार्टी का कोई पद है? नहीं नहीं, फिलहाल मैं पद मेरे पास नहीं है, मैं समाज सेवी हूँ, नॉर्मल समाज सेवी हूँ जिसमें समाज की सेवा करता हूँ। भामाशाह के सहयोग से कुछ कार्य विकास कार्य करवाए? हाँ, भामाशाह के सहयोग से हमने स्कूल में बेंचें वगैरह वो बनवाई हैं, छोटे मोटे काम काफ़ी करवाए हैं, भामाशाह हमारे गाँव के हैं, अच्छे लोग हैं। कुछ समय बचा है आपका, तो आप क्या विकास कराना चाहेंगे? बेशक मैं यही चाहूँगा कि बहुत अच्छा विकास हो, हमारे ग्राम का मॉडल तालाब
का प्रस्तावित और चालू है, काम चालू करवा दिया हमने, वो मैं चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह से बने और लोग देखें कि वाकई मॉडल तालाब बना है। जाते जाते मेरा एक सवाल, जनता आपसे क्या उम्मीद रखे, आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे, पंचायती राज आने वाला है, चुनाव 6 महीने बाद? नहीं, चुनाव का तो ऐसा है सर, जनता अगर चाहेगी तो इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे, और जनता ने सपोर्ट नहीं किया तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। आज हमने बात की सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद सरवर जी से। देखते रहे डीडी समाचार, मैं नरेश कुमार, कैमरा पर्सन अजय शर्मा के साथ।